हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका सुप्रियास कॉर्नर में। तो दोस्तों, आज मैं बना रही हूँ कसूरी मेथी वाली मैदे की मटरिंग। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मैंने लिया है एक कटोरी बेसन, एक कटोरी सूजी और लिया है दो कटोरी मैदा। मैदा हो गया। अब नंबर है मसाले डालने का, जो कि बहुत ही सिंपल है। नमक है, ज़रा सी अजवाइन। अजवाइन टेस्ट के लिए और डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और मैं डाल रही हूँ चटपटा बनाने के लिए थोड़ी सी लाल मिर्च, आप ना चाहो तो ना डालो। अब मैंने लिया है दोस्तों ये कसूरी मेथी, जिसे मैंने हल्का सा तवे पे भून लिया था ताकि ये बहुत ही ईजीली क्रश हो सके। इसे मैं क्रश करके आपको दिखा रही हूँ। आप देखिए ये कितना अच्छे से क्रश हो चुका है। और ये मैं ये कसूरी मेथी दिखा रही हूँ आपको क्रश करके, जिसे मैंने भुना नहीं। इसको देखिए, ये ऐसे क्रश नहीं होता, लेकिन मुझे लगता है कि वो बेस्ट होता है कि आप तवा पे भून के डालिए। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसमें देसी घी डाल रही हूँ थोड़ा सा, और रिफाइंड ऑयल मैं यूज कर रही हूँ। इसे मैंने बहुत अच्छे से पहले गर्म कर लिया है, एक तरह से इसमें एक उबाल लगा ली है। अगर इस तरीके से आप रिफाइंड या घी का मोयन डालेंगे तो मोयन कम यूज होगा, मतलब कम घी में आप अच्छे से मोयन यूज कर सकते हो, डाल सकते हो। थोड़ा समय मोयन और यूज कर रही हूँ। अब इसे मिक्स करके आटे को रेडी करूँगी। ये बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। थोड़ी सी कसूरी मेथी और डाल दिया मैंने। मोयन देखिए अब बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुका है। ये बिल्कुल परफेक्ट मोयन है, लड्डू बनने लगा। अब मैं हल्के गर्म पानी से आटे को गूंथ लूँगी। आटे को बहुत ही सख्त गूंथना है ताकि मटरी खूब खस्ता बन के आए। अब ये लगभग आटा गूंथ कर रेडी हो चुका है। अब मैं इसे 10 मिनट के लिए ढक के छोड़ दूंगी। 10 मिनट हो चुके हैं। आटे को मैं थोड़ा सा और एक बार और मलूंगी ताकि ये और सॉफ्ट हो जाए और चिकना हो जाए। मीन्स मैंने इस पर थोड़ा सा और घी लगा लिया था। अब ये रेडी हो चुका है। अब इस आटे की छोटी छोटी मुझे लोइयां बनानी हैं। बहुत ही छोटी छोटी लोइयां बना के, सिंगल सिंगल इस तरीके से लोई बना करके हमें हाथों के बीच में ही इसको प्रेस करना है। आप चाहो तो बेल भी सकते हो एक एक, लेकिन मैं इसे ऐसे प्रेस करके ही बनाऊंगी। ऐसे करने से ये बिल्कुल मार्केट वाले मटरी का लुक आता है इसका। इस तरीके से मैंने सारी लोइयों का मटरी का शेप दे करके रेडी कर लूँगी। ये हो चुके हैं। अब मैं इसे बहुत ही लो फ्लेम पे इसको मुझे फ्राई करना है। फ्लेम लो टू मीडियम रहे। अब मैं इसे डाल के छोड़ दे रही हूँ। मटरी को आप सिंगल सिंगल लोई तो बना ही सकते हैं, आप दूसरे तरीके से भी इसको इस तरीके से भी आप चकले पे बेल करके रेडी कर सकते हैं। इसको बेलना है बड़ा सा और एक छोटे से ग्लास से कट कर लेना है। आप ऐसे भी मटरी आप बना सकते हैं। ये थोड़ा बनाना और इजी होता है, लेकिन अगर मार्केट का लुक देना हो तो वो तरीका ही बेस्ट होता है। थोड़ा सा मोटा ही मैंने इसे बेल लिया है। मैं इसे ग्लास से कट कर लूँगी। इस तरीके से बहुत ही जल्दी मटरी रेडी हो जाएगी, बहुत मेहनत नहीं करना होगा आपको।
ये देखिए मठरियाँ भी कट के रेडी हो चुकी हैं। अब ये हमारी चॉइस पे डिपेंड करता है कि हम कैसे मठरियों को तलना पसंद करते हैं। अब इधर आ गए कढ़ाई पे, ये मठरियाँ रेडी हो चुकी हैं। इसको मैंने बहुत ही लो फ्लेम पे लगभग 15 मिनट के लिए फ्राई किया है बीच बीच में चलाते हुए। देखिए हल्का सा पिंक कलर, बहुत ही खूबसूरत कलर आया है। कसूरी मेथी की ये मठरियाँ मुझे बहुत ही पसंद है, स्पेशली चाय के साथ। आप देख सकते हैं मठरियाँ बिल्कुल भी तल के रेडी हो चुकी हैं। एक साइड में मैंने ये कटी हुई मठरियों को रखा है, इसका शेप भी आप देखिए। और ये है मठरियाँ जो मैंने ऐसे बनाई थी, ये भी रेडी है, मैं तोड़ के दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं। वीडियो पसंद आएगा दोस्तों तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।